बॉयज रेडी हो गए हैं कैंप के लिए जाने के लिए, तो सबे बड़े खुश हैं। कैमरा चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैंप जो है वो बहुत अच्छे से जा रहा है। माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं, और वो सभी लोग अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं माशाल्लाह। और फीडबैक भी हम डिफरेंट लोगों से भी आपके सामने लिया है, डिफरेंट लोगों से हम चीज़ें पूछ चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। और हमारे साथ जो है ना वो दो कैंप मौजूद हैं, एक तो फीमेल के लिए, उस साइड पर रिजवान भाई ज़रा एक दफ़ा दिखा दीजिएगा, वो थोड़ा दूर है फीमेल के लिए, वो सेटअप लगाया गया है। दूसरी साइड पे जो है हमारे साथ मौजूद हैं डीवीएम में सर बिलाल साहब, जो माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है ना इसको कवर कर रहे हैं, और साथ इसके असिस्टेंट जो हैं वो हैं रिजवान भाई, इसके अलावा ऐसे ही हसन मलिक हसन सर जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। और माशाल्लाह इन्होंने सुबह से अबाउट 70 to 80 पेशेंट जो हैं वो अटेंड कर लिए हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे केस जो हैं वो हैं मलेरिया के, मेल न्यूट्रिशन के और डिहाइड्रेशन के, इस तरह के जो है वो मतलब केसेस आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इट्स गोइंग वेल, और आप सबकी दवाओं का नतीजा है कि यहाँ पे हम मौजूद हैं, और कीप सपोर्टिंग अस, सिंह जिंदाबाद। तो आपको ट्रांसलेटर नहीं मिला अभी तक? जी ट्रांसलेट करके चला गया। चला गया। चलो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। इज दिस योर फर्स्ट कैंप? नहीं, इससे पहले हेपेटाइटिस था। चलें, गुड लक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप? अच्छा सर, आप बताएं, यहाँ पे आपके कैंप लग रहा है, सिंह की तरफ से, निक सिंह पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर फॉर्म्स आए हुए हैं डीवीएम के भी, तो आप किस तरह, आपको अच्छा लग रहा है और क्या फील कर रहे हैं?
यार फर्स्ट टाइम यहाँ पे किसी ने मेडिकल कैंप लगाया, इससे पहले एक लगी लेकिन उसमें ख़ास मेडिसिन नहीं थी। सिंक वालों ने बड़ा अच्छा काम किया, ज़बरदस्त, और कंप्लीट मेडिसिन दे रहे हैं सारे पेशेंट्स। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे पेशेंट्स लो, आपने खुद नोट किया है, देखा हुआ है, और ये सारा इलाका मुतासर है। यहाँ पे कोई सिंध गवर्नमेंट की कोई ख़ास मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और ना कोई ख़ास ऐसा कोई डॉक्टर है। फर्स्ट टाइम ऐसे डॉक्टर्स आए हैं जो ना इस तरह का एक प्लान बनाया है, और आप देखेंगे मेरे ख्याल में तो 1000 प्लस पेशेंट हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे सारा इलाका आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो इलाका मैं आपको बता रहा हूँ, ये रोड से आगे सारा पानी था, जो ऊपर से पानी आया बलोचिस्तान से और बारिश का पानी सारा डूब गया था, उस वजह से बड़े जानवर मर गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मुकम्मल जो है चेकअप हो रहा है, बच्चों को उनकी दवाई मिल रही है, और इसके अलावा ख्वातीन का भी जो इंतज़ाम है वो आपको मुतासर है, मतलब अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, इससे सेटिस्फाई हूँ, सिंध वालों ने बड़ा अच्छा काम किया। ये जो लेडीज़ के लिए अलहदा हमने कॉस्ट्यूम बनाया, उन्होंने कॉस्ट्यूम बना के दिखाया, तो उन्होंने ज़बरदस्त काम किया बच्चों के लिए, और वो जो गिफ्ट लेकर आए हैं तो बच्चे उससे बड़े मुतासर हो रहे हैं, बिल्कुल भी रहे हैं, और उनके साथ अटैचमेंट में भी आ रहे हैं, और अपने और लेडीज़ जो है जो प्रॉब्लम्स वो दूसरों को नहीं बता सक रही थी वो डॉक्टर साहब उनको क्लियर बता रही हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो जो यहाँ पे कैंप लगी थी उसमें सिर्फ दो मेल डॉक्टर आए थे जिन्होंने अधूरी सी कहानी करके चले गए, और ये डॉक्टर्स फीमेल डॉक्टर थे स्पेशली। और यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम सिंक वालों ने एनिमल्स की जो है वो लगाई है, वेटनरी, ठीक है, किसी ने भी नहीं लगाई, ठीक है, माशाल्लाह, सिंक जिंदाबाद, जिंदाबाद, थैंक यू। साथ मौजूद हैं रिजवान अहमद, जो कि हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और किस तरह का जो इंतजाम आते हैं और कौन कौन सा कैंप लगा हुआ है, और कौन जानवरों के लिए अलग से और जो है वो इंसानों के लिए अलग से। अस्सलाम वालेकुम, इस साइड पे हमारे बड़ों के लिए जी, इस साइड पे है जी, ठीक है, मेल के लिए मेडिकल कैंप लगा, इस तरफ लगा हुआ है वेटनरी साइड के लिए, वहाँ पे अंदर हम मेडिसिन दे रहे हैं, और उस तरफ जो है फीमेल के लिए लगा हुआ है, सही है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बिलाल भाई जो है वो अपनी पूरी कोशिश के साथ जो है ना वो जानवरों को दवाइयाँ दे रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। इन्होंने सुबह से अकेले हैं तो कह रहे थे मैं अकेला हूँ, मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, ठीक है जी। सर आप कैसा फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तो एक अच्छा चैलेंज है जी, जी इसे हम कवर कर रहे हैं, लेकिन यह है कि इससे किसान को जिनके भला हो रहा है, इस इलाके में फ्लड से इफेक्टेड एनिमल्स के अंदर बहुत सारी वर्म इन्फेस्टेशन है, एनिमल्स की हालत बिल्कुल ठीक है, ज़्यादातर ऑफिड है, उनकी जो बोन्स हैं वो बिल्कुल नज़र आती हैं, और एक्टोपैरासाइट्स का ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि शुक्रिया शुक्रिया बहुत। जी हमारे साथ मौजूद हैं जी बशीर भाई, और यहाँ पे मेडिसिन का सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से पर्ची जो है वो लेके आके आते हैं लोग और अपनी मेडिसिन लेके जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे अपनी अपनी दवाई लेके जो है वो लोग जा रहे हैं। तो जी बशीर भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इस मौका पर लोगों का जो इतना रश है और इतना अच्छा ख्याल कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा खजुके हुए अलहमदिल्ला, और किसी को बंदे को तकलीफ नहीं हो रही जी, प्रॉपर मेडिसिन वगैरह, और उनको बाकायदा समझाया जा रहा है कि कौन कौन सा डोज किस टाइम लेना है और कितना मकदार में लेना है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है, और कोई भी बंदा इस तरह नहीं है कि मतलब कोई इस तरह की जिससे कोई बंदा नाराज होकर चला जाए कि भाई मुझे मेडिसिन वगैरह नहीं मिला, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह। जी जी शुक्रिया जी अजवत भाई। जी सर, अभी जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 50 टाइप ऑफ मेडिसिन जो है, और ये मेडिसिन जो कवर कर रही है ऑल टाइप ऑफ डिजीज जो कि किसी भी एक फ्लड इफेक्टेड एरिया में जो है ना आउटब्रेक होता है जी, जिसमें गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा यहाँ आ रहा है, मलेरिया बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन हो गए, आई इन्फेक्शन हो गए, उसके अलावा माल न्यूट्रिशन के बड़े केसेज आ रहे हैं जिसमें एनीमिया बहुत ज़्यादा बच्चों में हो रहा है, उसके लिए हम मल्टी विटामिन आयरन के सिरप्स वगैरह दे रहे हैं, और उसके अलावा मुटिलियम वगैरह पड़ा हुआ है हमारे पास, ORS के जो है वो हम जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक अच्छी जो है वो ओपीडी हो रही है, और इंशाल्लाह जो है वो क्वालिटी भी अच्छी है, और हमारा ये है कि मैक्सिमम लोग हमें आएँ और जो है वो हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, और उनको जो है इनके मसाइल को जो है बेहतर से बेहतर तरीके से हल किया जा सके, और कोशिश यही है कि हम 3 से 5 से 7 दिन की जो है एक प्रॉपर जो डोज होती है सब कोर्स होता है वो अचीव कर लें। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो हमें फीडबैक मिला। जो है हमारे साथ मौजूद हैं जी खुबैब भाई,
उस्मान भाई जो माशाल्लाह यहाँ से पर्चियाँ लेके और मेडिसिन जो है वो लोगों को यहाँ से सीधा जो है वो दे रहे हैं और जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो गया इंशाल्लाह। जी बिलाल भाई, खुबैब भाई और उस्मान भाई, सॉरी हाय उस्मान भाई, आप माशाल्लाह अच्छे से मेहनत कर रहे हैं अपना काम है ना जी जी। और हमारे पे कैमरे की बैटरी भी अबाउट टू लो है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी उस्मान भाई, थोड़ा सा टाइम देंगे हमें जी, आप हमें बताएंगे कि कितनी मेडिसिन जा चुकी है और मतलब किस तरह के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, किस तरह की दवाई जो है वो जा रही है? कोई 60 पेशेंट की ओपीडी हो गई है अभी तक, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोस्टली जो पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास वो मलेरिया की कंप्लेंट के साथ हैं जी, कैप की कंप्लेंट के साथ हैं, फीवर की कंप्लेंट के साथ हैं जी। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी देखें जी, हमारा सेटअप है इतना अच्छा जो है वो मेडिसिन मिली है, और हमारे साथ मौजूद है इनके ट्रांसलेटर भी, जो कि एक दवाई देने के बावजूद उसके साथ उसको एक्सप्लेन भी करते हैं प्रॉपर के किस तरीके से लेनी है आपने, किस चीज़ के साथ लेनी है और कितनी टाइम लेनी है, और ओडी लेनी है या जैसे भी उसका जो है वो हिसाब किताब है। अजय भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं दवाई को, तरीका लेने का। बिल्कुल, आपके कितनी पैसे हैं आपके? मेरी बहुत है। आपकी? मेरी 6 महीने। अच्छा, अभी चेकअप कराने के लिए जा रहे हैं? अच्छा, तो हुआ क्या उनको? जी लागर हो गई है बस आने बाद में। अच्छा, ये सलाब की वजह से? हाँ, सलाब की वजह। चले अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लो जी, ये हम विजिट के लिए घर जा रहे हैं, रिजवान हमारे साथ मौजूद है, डीवीएम के डॉक्टर से मौजूद है। कैसे खराब हुई? सलाब की वजह से? सलाब की वजह से जी। अच्छा, और क्या मसला? अभी ठीक हो जाएगा। नाम क्या आपका? नाम पूछे जरा। मंसूर नाम है। आप हाथ धोने के लिए गए थे उधर? हाथ धोने के लिए पूछे जरा इनसे। हाथ दिखा रहे हैं वहाँ? हाँ, कैसे? क्या मसला इसको? क्या मसला? मुंह के अंदर से पानी निकलता है। जैसा डिप चलाते हैं जी, जैसे डिप की तरह वो पूरे नीचे गिरते हैं। अच्छा, ये सलाब से पहले था कि बाद में हुआ है? नहीं, पहले भी था इसे। अच्छा, पर अभी भी बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। बेस को पहले से भी है। अच्छा, अभी जो है ना बेस। सुमिया, सुमिया ये नाम है? हां जी। हां, सुमिया कितने साल की है? हाथ मिलाओ। क्या नाम है? नाम जाते हैं सब स्कूल जाते हैं? स्कूल ना? अच्छा, स्कूल क्यों नहीं जाता जी? आपने हाथ हाथ धोने सीखे वहाँ पे जाके? सर जी इनसे पूछे, इन्होंने हाथ धोने सीखे वहाँ पे जाके? हाथ धोने से क्यों आना? हाथ धोने से क्यों आना? किए दो मानी, किए दो मानी, करके दिखाएं इसे, करे रेखा किए दो, हाथ माटे रेखा किए माटी नहीं होनी ये? चिके 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 जोर नहीं करे, गलत करे। हाँ ठीक है ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सुशील कुमार जी, काइंडली इनकी डिस्टिंक्शन बताएंगे आप। ये है इम्यूनाइजेशन ऑफिसर जी, WHO UN से जी। ठीक है जी सर, कैसे हैं आप? सेहत भी ठीक है आपकी? अच्छा, आप आए हैं यहाँ पे, आप मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि सिंक पाकिस्तान का जो है एक बहुत अच्छा जो है वो काम हो रहा है, जिसमें DVM भी, डॉक्टर फॉर्म्स भी जहाँ पे मौजूद हैं,
जो कि अपनी सर्विसेज जो है ना वो इन इलाके में जो है ना फ्लड की कंडीशन में लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देना चाहते हैं? मैं तो माशाल्लाह खुशी हो रही है कि आप लोगों ने लाहौर से चल के जहाँ पे आए हैं, हमारी जो रिमोट एरिया के इलाके से जो रेन और फ्लड के वजह से अफेक्टेड हुए हैं, आप उनकी सपोर्ट में आए कि मेडिकल कैंप आप लोगों ने लगाई। मैंने भी जहाँ पे देखा काम तो माशाल्लाह वो अच्छा चल रहा है। आपकी जो सिंसियरिटी है उसको तो अप्रिशिएट करते हैं जी। जो बंदा इतना दूर से आ रहा है उनको इतनी अगर टाइम लगेगा उसको तो बंदा या गवर्नमेंट को इसको हैंडल कर पाए सही तरीके से, टाइम तो लगेगा जी। इंशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू सो मच। कैंप के हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने एक जो फीमेल में देखा हैंड वॉश का जो उनको लेक्चर दे रही है जी जी, तो वो ये बच्चों की पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल के लिए और जो बच्चों के अपना न्यूट्रिशन के हवाले से करें वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे यहाँ जो दूसरी हमारी मेडिकल कैंप है वहाँ पर न्यूट्रिशन की हमें कुछ ही कमी मिले ज़्यादा नहीं मिले तो यहाँ पर। थैंक यू सो मच, आप आए अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला, शुक्रगुजार हैं हम आपके। शुक्रिया जी, हम आपके हैं कि आप लोगों ने हमें जी जी माशाल्लाह बस जी अल्लाह पाक तौफीक देते हैं तो जो है वो हम यहाँ पे आते हैं। करना चाहिए इंसान का काम दीजिए कि भाई एक इंसान दूसरे इंसान की काम आए जी। ठीक है शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और पूछ लें ਬਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲਗੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਆ, ਗਾਲ ਬੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਫਜ਼ੀਲਤ ਖਿਲਾਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਦਾਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪ? ਕਾਥਾਂ ਜਾਓ? ਇਤੋਂ ਜਾਈ ਲੋਕਲ ਹੋ ਇਤੋਂ ਜਾ ਗੋਠਾ ਜਾ ਜੀ ਜੀ ਗੁੱਡ।